सैमसंग ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया है एएमडी के साथ, क्या पता सैमसंग के लिए ये गेम चेंजर साबित हो। वीडियो को आगे देखते रहिए, मैं राहुल और आपको हमेशा की तरह स्वागत है इस चैनल टेकी वर्ल्ड में। कोई भी फोन में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो है प्रोसेसर। रिसेंटली सैमसंग ने जो फोन लॉन्च किया है S20, S20 प्लस, S20 अल्ट्रा, इसमें कैमरा दिया गया 108 MP विद सुपर जूम, बैटरी दिया गया अच्छा खासा बैटरी दिया गया है। स्क्रीन के लिए सैमसंग को किंग माना जाता है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरे के लिए बनाता है, जैसे आईफोन के लिए वो डिस्प्ले बनाता है। बट एक जो कमी सैमसंग के चिपसेट में रहता है वो है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस हमेशा कम रहता है एज कम्पेयर टू दिस सैमसंग का परफॉर्मेंस हमेशा कम रहता है। जो फोन आपको लॉन्च किया है यूरोप कंट्री में सैमसंग ने S20, S20 प्लस, S20 अल्ट्रा, उसमें दिया गया आपको स्नैपड्रैगन 865, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बट जो इंडियन वर्जन है एक्सिनोस 990, उसमें आपको थर्मल स्लॉटिंग दिखने मिल रहा है, बैटरी ड्रेनिंग इशू दिखने में मिल रहा है, फोन जल्दी ज़्यादा हीट हो रहा है, फोन अगर हीट होगा तो फोन ऑब्वियसली लैग करेगा, फिर हैंग होगा फोन। इसी को ओवरकम करने के लिए सैमसंग ने लास्ट ईयर कोलैबोरेट किया था एएमडी के साथ 2019 में। जो आपका कुछ लीक सामने आया है वो है एक्सिनोस 1000, जो आधारित होगा 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ, वो होगा लेटेस्ट आर्म आर्किटेक्चर A78 पे, और जो GPU रहेगा वो पूरा फुल्ली न्यू डिजाइन किया जाएगा। हो सकता है एएमडी का RDNA आर्किटेक्चर में हो, जो स्कोर आया है आपका एक्सिनोस 1000 का वो 3x फास्टर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 से। अगर इतना स्कोर आता है ये बायोनिक चिप को भी टक्कर दे सकता है। हो सकता है सैमसंग के एसओसी आगे निकल जाए एज कम्पेयर टू क्वालकॉम स्नैपड्रैगन और बायोनिक चिपसेट से आगे निकल जाए, बट थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत डिफरेंस हो। जब आएगा तब उसका स्कोर देखा जाएगा कितना हुआ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया, और अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब चैनल जरूर कर लीजिए ऐसे कंटेंट के लिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।